जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी, जो बच्चे यानी कि जो क्या कहते हैं फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हों, चेस्ट हाइट बीम वजन सब कुछ जो फिट हो चुके हों, उन बच्चों से एक रिव्यू लेके सर बताइएगा। वो बच्चे जो बताएंगे सही बताएंगे। साथियों, हमारे साथ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रेस भी क्वालिफाई की है, रेस के बाद उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट भी फिट हुए हैं, क्या सारी सिस्टम हर चीज़ ए टू जेड हम जानकारी दें। दोस्त, आपका शुभ नाम क्या है? सचकान सहानी। आपका? राजेश्वर कुमार। राजेश्वर कुमार, आप दोस्त कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो? महाराजगंज। आप भी? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर हो आप, किस ट्रेड के हो? ट्रेड कॉर्पोरेट ट्रेडमैन। ये ट्रेडमैन है, TDN ट्रेडमैन। आप भी 8वीं पास? नहीं, 10th। 10th पास। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे 8वीं पास जब आप थे, आपके काउंटर साइन में क्या क्या मोहर वर ये सब कुछ थी? हाँ, सब था। तो कैसे लगा था कि वो बच्चे भी जाने काफी परेशान रहते हैं? यदि काउंटर साइन नहीं रहेगा तो आपको वो दे देगा, समय देंगे। साथियों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत रहेगी तो आपको 1-2 दिन का वो समय देते हैं। और भी कोई जानकारी? अच्छा, चलो ठीक है। आपको अंदर कितने बजे लिए, एंट्री कितने बजे हो रही थी आपकी? एंट्री लगभग 2:30 बजे हो गई थी, 2 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। 2:30 बजे एंट्री हुई थी। तो एंट्री के समय आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक हुए थे? डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, बस ओनली एडमिट कार्ड। आधार उधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं। फिंगर उंगर? नहीं, फिंगर उंगर कुछ नहीं। आधार, एडमिट कार्ड से अंदर ले रहे थे, उसके बाद आगे चल के उस पर मोहर लग रही थी, आगे वेरिफिकेशन भी हो रहा था, उसके बाद जाकर हम लोग को सब मतलब चेकअप पूरा हुआ, बॉडी चेकअप एंड बैक चेकअप पूरा, उसके बाद अंदर एंट्री लेकर रेस चालू हुआ लगभग 6 बजे करीब। साथियों, ये भी है, आप भर्ती आ रहे हो देखने, भूल के मेडिसिन हमको यूज नहीं करनी है, ये जान लेना, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है, आप कहीं ना कहीं इंजर्ड हो सकते हो, इससे आपको बॉडी साइड इफेक्ट होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप जो खा, जो सिंपल है नेचुरल डाइट यूज करो, चने यही सब बादाम बादाम यूज करो, और उसके बाद दूध दूध पी के अच्छे से भागो यार, कोई पहाड़ नहीं है, आराम से हो जाएगी। ये भी भाई हैं, आपके भाई हैं, खुद रेस क्वालिफाई किए हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा था यार दोस्त? डॉक्यूमेंट हाई स्कूल इंटर और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट अंदर मिला है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर 600 रुपये लेकर आएंगे, क्योंकि एफिडेविट अंदर बन रहा है और फोटो वोटो भी अंदर बन रहा है, बाकी सब जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, बस ज्यादा कुछ। अच्छा हाँ, ये जो और भी बच्चे हमसे कमेंट कर रहे थे कि सर जी, जो जाति होता है, निवास होता है, ये कितना महीना पुराना होना चाहिए? 6 महीने कह रहे हैं, 6-7 महीने हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 महीने तो ठीक है, अगर 7 महीने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे जैसे क्या OTP मांग रहे हैं आधार कार्ड की? हाँ, OTP वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, क्योंकि आधार हिस्ट्री निकाली जा रही है, कितनी बार अपडेट की गई है। कोई बच्चा जैसे दोबारा हाई स्कूल करके मिला था इधर? अभी तो नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं। हाँ, अच्छा, क्या वजन नाप रहे हैं, क्या वजन में बच्चे हाइट की कोडिंग बाहर हो रहे थे? हाइट में भी, वजन में भी और चेस्ट में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। आज मैंने देखा साथियों, क्या है ना, पहले क्या होती थी भर्ती में, पहले हाइट होती थी, हाइट में बच्चे जो जिसकी कम रहती तो बाहर हो जाता था, लेकिन अब हाइट वाली प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। पहले आपका रेस होगा, रेस के बाद तो आगे प्रक्रिया हाइट होगा, इसलिए बच्चे ज़्यादा हाइट में भी बाहर हुए हैं और भी बच्चे चेस्ट में भी बाहर हुए हैं। क्या और भी बच्चे जैसे क्या और बंदे कमेंट कर रहे थे साथियों, आप भी कमेंट कर देना, कोई भी देखो मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद बच्चों से पूछ के आपको बताया जाएगा क्या वजन के हिसाब, इधर आ जाओ, क्या वजन के हिसाब से वेट दिखा जा रहा है। अच्छा, जैसे आपका वजन कैसे, जैसे आपकी हाइट 172 है तो आपका वजन कितना होना चाहिए? लगभग 52 से ऊपर। 52 से ऊपर होना चाहिए। जैसे कोई बंदा, जैसे ये भी है दोस्त, जैसे जिसकी एज, जिसका वजन ज्यादा रहेगा वो रेस भी नहीं मार पाएगा। अच्छा, ये थोड़ा बताओ, आपके ग्रुप में कितने बच्चे एक्सीलेंट में पकड़े गए थे, कितने गुड में पकड़े गए थे? 14 एक्सीलेंट में थे, गुड में 16 थे। गुड में 16 थे, यानी कि टाइमिंग भरपूर मिल रही, 5:45। आपकी टाइमिंग क्या थी ग्राउंड की? यही लगभग कुछ 6ठा या 7वां बंदा था। नहीं नहीं, आपकी होम ग्राउंड की टाइमिंग क्या? होम ग्राउंडिंग हमारी थी, इधर आ जाओ, इधर हो जाओ यार, रोड पे नहीं। तो आपकी होम ग्राउंड की टाइमिंग क्या थी? यही 5:20 थी, उसके नीचे यहाँ पर जो लगा, बाकी यहाँ पर कम ही लगा। अच्छा, एजिलिटी टेस्ट हो रहा है कि नहीं, आगे की नहीं? ये
टेस्ट नहीं हो रहा है। साथियों मैंने पहले से ही बोल चुका था कि आपका एजिलिबिलिटी टेस्ट शायद नहीं होने वाला इधर, ठीक है। आप सबको जो बताया, आगे चलो चलो ठीक है, आ जाओ इधर चले आओ, थोड़ा इधर भी भीड़ हो चुकी थी, ठीक है साथियों स्टाफ।